सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में छठ पूजा स्पेशल स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले VN एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। VN ओपन हो जाने बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी मटेरियल यूज होगा सब की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर देना। सबसे पहले एक वीडियो क्लिप मिलेगा, उसको ऐड करना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देना। तो ये वाले जो फ़ोटोज़ हैं ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप लोग पिंटरेस्ट ऐप से ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से फाइंड करके ले सकते हो। तो यहाँ से आपको 15 फ़ोटो यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9:16 की फ्रेम में आपको कर देना है इसको, ठीक है। इस तरीके से वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया है। इस तरीके से 2 फिंगर से जूम कर लेना, एडिट करने में आसानी रहेगी। वीडियो के लास्ट में चले आना, यहाँ से एक वाटरमार्क होगा, इस पर टैप करके डिलीट कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में चले आना। यहाँ पे आने बाद म्यूजिक प्लस पे क्लिक करके म्यूजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना, माय म्यूजिक में चले जाना। तो ये वाला जो साउंड है ना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी सॉन्ग की, तो आप लोग वहाँ पे से जाके यहाँ से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा वाला सॉन्ग है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग भरे पड़े हैं तो यहाँ पर ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से देख के सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरा सॉन्ग है यहाँ पर। ऑलराइट, तो देख पा रहे हो इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे सारी बीट्स मैंने लगा रखी है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ तक सारी बीट लगी हुई। क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉन्ग लेयर पे टैप करना है, बैक करके यहाँ से सॉन्ग लेयर पे टैप करके फ्लैग पे क्लिक करके बीट वाले ऑप्शन में जाना, और यहाँ पर सभी बीट्स लगी हुई हैं पहले से ही, देख पा रहे हो, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए पहले से लगा रखी है मैंने। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उस तरीके से आपको इसके अंदर टोटल 14 बीट है यहाँ पे ऐड कर लेनी है। कैसे ऐड कर लेते हैं, मान लो यहाँ से बीट है, ठीक है, तो आपको ऐड करना बताऊँगा। तो यहाँ से मान लो बीट है, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको रेड फ्लैग पे क्लिक करना है, तो ऐसे बीट लग जाएगा। अगर बाई चांस गलत लग जाता है तो आपको इसके ऊपर में टैप करके इधर से डिलीट कर लेना है, समझ गए आप लोग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर करना है। अब क्या करोगे, आपको यहाँ पर जो भी बीट है ना, बीट के ऊपर में क्लिक करके फ़ोटो स्प्लिट करके डिलीट करना है, फिर से बीट पर क्लिक करके फ़ोटो स्प्लिट करके डिलीट करना है। इस तरीके से आपको बीट के अकॉर्डिंग सारे फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है। बीट पर टैप कर देना, नीचे स्प्लिट कर लेना, और यहाँ पे आपको फ़ोटो को कट कर देना है, ठीक है, आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, सेम टू सेम आपको यही प्रोसेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट तक सभी फ़ोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो मैंने ऑलमोस्ट कट कर लिया है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में लास्ट वाला यहाँ पे जो फोटो है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो यही फ़ोटो है, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कोई दूसरा फ़ोटो लगा लेते हैं अपन, ठीक है। सेम फ़ोटो आ चुका है तो कोई भी फ़ोटो लगा लेना, ठीक है, जो भी लगा हुआ है वो भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर कंटिन्यू मैंने। अब क्या करना है, मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा जो जो इफेक्ट्स इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीन पर। तो पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा इफेक्ट्स लगाना, उसके लिए इस पर टैप करके यहाँ से इफेक्ट्स पर क्लिक करना, आपको यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। पहले देख लेते हैं, इस पर टैप करके इफेक्ट्स में चलना, और यहाँ पे सबसे पहला जो इफेक्ट है ना वो आपको यहाँ से लगाना, जीटर अप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, इस पर टैप करना, उसके बाद इधर से एरो पर टैप करके आगे कर सकते हो। अब क्या करोगे, यहाँ से इफेक्ट्स वाले में जाना, इधर में जाने बाद आपको इधर से देखना है जीटर 02, या फिर जो भी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है ना उस हिसाब से ऐड कर लेना है। उसके बाद एरो पर टैप करो, यहाँ से नेक्स्ट वाला जो इफेक्ट्स है ना वो इधर से लगा लेना, जो भी होगा आपके, ठीक है, इसके अंदर एरो पर टैप करते जाना एंड लास्ट तक लगा लेना है, ठीक है। लास्ट तक इफेक्ट्स लगा लेना, मैंने आपको बताया किस तरीके से इफेक्ट्स लगाने हैं, तो लास्ट तक लगा लेना। अब क्या करोगे, आपको किसी भी एक फ़ोटो पर क्लिक कर देना सिंपल से, एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर टैप करके इधर से चले जाना एडजस्ट टूल के अंदर, ठीक है। एक्सपोजर पर टैप करके बढ़ा सकते हो हल्का सा, कॉन्ट्रास्ट पे टैप करके इसको माइनस या प्लस जैसा भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। विग्नेटी पे टैप करके इसको फुल करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो आप देख पा रहे हो वीडियो पे भी अप्लाई हो चुका है। तो फिल्टर पे जाना, यहाँ पे जाने बाद इधर से इसको
रिसेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो में से हट जाएगा। उसके बाद फिर से फोटो पे जाना, फिल्टर में जाना। यहाँ पे जाने बाद क्या करोगे, फिल्टर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने बाद आपको A5 वाला जो फिल्टर है ना, इसको लेके इस तरीके से फूल करके अप्लाई टू ऑल करना है। फिर से वीडियो पे आना है, फिल्टर पे आना है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी लगा होगा तो यहाँ से क्या करना, ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है ताकि फ़ोटो के ऊपर में रहेगा। और इस तरीके से एफेक्ट्स के साथ में एकदम कंटिन्यू वीडियो बन जाएगा। आप लोग बस वीडियो को स्क्रीन से एफेक्ट्स देख के लास्ट तक लगा लेना, एरो पर टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना। सो गाइज, यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।